ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा भिलाई जिला के द्वारा निकाली जा रही शंखनाद पदयात्रा का शुभारंभ टाउनशिप क्षेत्र में सेक्टर 1 से हुआ। पदयात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सेक्टरों का भ्रमण कर समस्याओं का जायजा लिया और इसके निराकरण के लिए बीएसपी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर चर्चा करने की बात भाजपा अध्यक्ष ने कही। पटरी पार के विभिन्न वार्डो से होते हुई भिलाई जिला भाजपा की शंखनाद पदयात्रा का शुभारंभ टाउनशिप क्षेत्र में शुक्रवार से हुआ। भाजपा कार्यकर्ता सेक्टर 1 में एकत्र हुए। यहां से भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की गई। भाजपा अध्यक्ष ने स्थानीय समस्याओं को देखकर क्षेत्र के लोगों से चर्चा की। ब्रिजेश बिचपुरिया ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, साथ ही समस्याओं के निराकरण की मांग की जाएगी। शीघ्र समस्याओं को हल नहीं निकाले जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। रेस्पॉन्स है शंखनाद रैली का? शंखनाद रैली जिस उद्देश्य को लेके हमने निकाली है उसका हमको 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हमने जो सोचा था कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, घर घर जाएंगे, स्थिति ये हो रही है कि लोग घर से निकल के आ रहे हैं। हमारी रैली के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है, घर से निकल के आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आज रोड की बात हो, नाली की बात हो, बैक, यहाँ तो टाउनशिप में बैक लाइन में भारी कचरा भरा हुआ है। अभी जब से मालूम पड़ा कि हम आने वाले हैं तो आज बैक लाइन साफ़ हो रही है और पूरा कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालते नहीं है। पानी के समय अंडरग्राउंड लाइन है नहीं है तो टेम्परेरी लाइन बनाते हैं। टेम्परेरी लाइन बनती है और ख़त्म हो जाती है, 4 दिन बाद उसमें मिट्टी पड़ जाती है और बिल बन जाते हैं और पैसा मिल जाता है लोगों को। अभी GM से हम मांग करने वाले हैं, यहाँ टाउनशिप के GM से, कि आप जितने भी टेंडर निकालते हैं कामों के, बैकलाइन के, इसके उसके, उस सब की कॉपी पार्षदों को दो ताकि पार्षदों को मालूम हो कि उनके वार्ड में क्या काम होने वाला है, किस काम के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है और वो उसको मॉनिटरिंग कर सकें, उसको चेक कर सकें ताकि काम में गुणवत्ता आए और गुणवत्ता के साथ सही काम हो, पैसा जो लग रहा है भिलाई स्टील प्लांट का वो सही मद में लगे। इन सारी बातों को लेकर के और टाउनशिप की और भी समस्याएँ हैं, जैसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल की दिक्कत है हमारे टाउनशिप में, और दिक्कत है पानी की, नाली की, अभी क्वार्टर मेंटेनेंस की दिक्कत है, कई जगह क्वार्टर मेंटेनेंस नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफिस सब बंद कर दिए गए हैं। अभी ये स्थिति है कि पहले हर सेक्टर में एक मेंटेनेंस ऑफिस होता था तो यहाँ कर्मचारी जाते थे, अपनी शिकायत करते थे और अपने काम को करवाते थे। अब ये हो गया कि सारे मेंटेनेंस ऑफिस बंद हो गए हैं। अब यहाँ के कर्मचारी भटक रहे हैं, स्टेट ऑफिस में जा रहे हैं या ऑफिस से बात कर रहे हैं लेकिन उनके काम नहीं हो रहे हैं। जो पहले प्रॉपर वे में काम हो जाते थे वो कोई काम नहीं हो रहा है और केवल ठेका प्रथा चल रही है। BSP में जो भर्ती होना चाहिए वो भर्ती नहीं हो पा रही है और केवल ठेका प्रथा चल रही है। सारे अधिकारी चाहते हैं ठेका प्रथा चले। समस्याओं के निराकरण को लेकर किस तरह प्रयास किया जाए? समस्याओं के निराकरण को लेकर के जैसे हमने बताया था आपको कि टाउनशिप की समस्या उनका थोड़ा सा अलग मामला है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको इकट्ठा करके हम GM टाउनशिप से मिलेंगे और उनको सारी समस्याएं बताएंगे और उनके माध्यम से इसको पूरा करवाएंगे। प्लस नगर निगम की बात है, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में ज्ञापन तैयार करेंगे। जो हमने समस्याएं देखी हैं, पब्लिक ने आकर के हमको बताया है, विश्वास व्यक्त किया है हमारे ऊपर, उन समस्याओं को लेकर के हम कमिश्नर को एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो 5-7 दिन के बाद हम एक जंगी प्रदर्शन करेंगे नगर निगम के सामने, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी। दोनों विधानसभा शंखनाद पदयात्रा में भाजपा पार्षदों के साथ साथ विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल थे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।